नमस्कार, मैं हूँ श्वेता जोशी और मैं मध्य प्रदेश की बहुत ही खूबसूरत नगरी धार से हूँ। और आज मैं बात करने जा रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति की जो हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही नाम कमा चुके हैं। उनका नाम है डॉक्टर हरविंदर मानकर। हरविंदर मानकर जी के साथ इतनी सारी चीजें जुड़ी हैं कि जो जो भी मैं बताऊं शायद वो बहुत ही कम होगा। वो एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। मोटू पतलू के नाम से सभी लोग उन्हें बहुत जानते हैं। पूरे इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत ही खूब काम किया है। हर आर्टिस्ट के साथ उन्होंने इतनी खूबसूरती के साथ काम किया कि मैं जो भी उनके बारे में बताने जा रही हूँ शायद वो बहुत ही कम होगा और बहुत ही छोटा होगा। एक मेरे साथ ही सर का बहुत ही खूबसूरत एक एक्सपीरियंस रहा है कि जब मेरा प्रोग्राम था, मैं दिल्ली में आई थी और सर से मैंने समय लिया था कि सर मुझे आपसे मिलना है, अगर आप फ्री हो तो मैं आपसे मिल पाऊं। तो सर ने मुझे समय दिया और उस दौरान सर की एक शूटिंग भी चल रही थी, तो मुझे लगा था कि शायद सर मुझे वो समय नहीं दे पाएंगे कि जो इतनी दूर से मैं आई हूं तो सर से मतलब कुछ समय तो मैं उनके साथ बिता पाऊं। तो उस समय फिर मैं उनके घर गई और सर ने मुझे मैंने सोचा था कि शायद मैं 10-15 मिनट ही सर से बात कर पाऊंगी, तो सर ने मुझे पूरा 1 घंटा दिया। और उस एक घंटे में मुझे इतनी इतनी सारी चीजें उन्होंने समझाई मेरे प्रोग्राम को लेकर और मुझे किस तरह से आगे परफॉर्म करना चाहिए। तो उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से और इतनी इजी वे में सारी चीज समझाई कि मैं आपको उसे शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकती हूँ। तो इतने इतने सरल व्यक्तित्व है उनका, वो इतने क्रिएटिव है। हर स्थिति में उन्होंने इतना पॉजिटिव काम किया है कि कभी भी मैं भी नर्वस होती हूँ, कभी भी कोई भी काम होता है या मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे आगे काम करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी लॉकडाउन के दौरान भी मैंने उनसे कई बार बात हुई तो मैंने उनसे कहा कि सर सारे प्रोग्राम्स थे कैंसिल हो गए, अब क्या होगा, कैसे क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो समय है ये आत्ममंथन का है। हमें जितना ज्यादा अपने प्रोग्राम के लिए और अपने काम के प्रति हम जितना हम आत्ममंथन कर पाए तो वो हमारे लिए आगे सक्सेसफुल रहेगा, हमें बहुत अच्छा आगे काम मिलेगा। और उसी उसी इसी चीज को लेते हुए, उसी पॉजिटिविटी को लेते हुए मैं आगे बढ़ती रही। और सर का आशीर्वाद है कि मैंने जो भी अभी तक किया है सर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत सारी बातें जुड़ी हैं। मैं आपसे बहुत ज्यादा चीजें तो शेयर नहीं कर पाऊंगी लेकिन बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा है सर के साथ। तो धन्यवाद देना चाहूंगी मैं सर को और कि मुझे उन्होंने इस बाइट के लिए चुना। थैंक यू सर, धन्यवाद।